दोस्तों क्रिकेट के हवाले से आई एक और बुरी खबर। लाइव मुकाबले के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गई एक नहीं बल्कि दो दो खिलाड़ियों की जान। फिर दोस्तों क्रिकेट के जगत में मच गया हाहाकार। आप भी देखना चाहते हो आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। रमन लांबा टीम इंडिया के खिलाड़ी थे और उनकी लाइव मुकाबले के दौरान ही जान चली गई थी। और दूसरे खिलाड़ी थे फिलिप, जिनके माथे पे गेंद लगी और उनका निधन हो गया। मगर दोस्तों अब एक और नया मामला सामने निकल के आया है मुंबई और नोएडा से। दोस्तों पहले बात करते हैं मुंबई की, तो मेजर दादकर स्टेडियम में एक मुकाबला खेला जा रहा था, जहां पर पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी के सर पे जाके सीधा गेंद लगती है और गेंद इतनी तेज थी कि उसके माथे से खून निकल आया। फिर दोस्तों इस खिलाड़ी को अस्पताल ले जाया गया, मगर अस्पताल ले जाते समय इसका रास्ते में निधन हो गया। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है नोएडा क्रिकेट स्टेडियम से। दोस्तों नोएडा में टेक कंपनी में काम करने वाले विकास नेगी एक मुकाबला खेल रहे थे क्रिकेट का, और दोस्तों नॉन स्ट्राइक पे मौजूद थे। सामने वाले बल्लेबाज ने शॉट लगाया और वो रन लेने के लिए भागे, मगर बीच रास्ते में अचानक से विकास नेगी गिर जाते हैं और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों विकास नेगी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में इनका भी निधन हो गया हार्ट अटैक के चलते।